तकरीबन 500 दिन का इंतजार करने के बाद टेक्नो फैंटम X2 5G आ रहा है, जिसकी सारी चीजें कंफर्म हो चुकी हैं, जिसमें उसका डिजाइन, स्पेसिफिकेशन, लॉन्च डेट और सबसे मेन चीज के इसकी पाकिस्तान में क्या प्राइस होगी। अगर डिस्प्ले की बात की जाए तो 6.7 इंचेस का एमोलेड डिस्प्ले मिलेगा विद 120 हर्ट्ज का हाई रिफ्रेश रेट और थोड़ा सा कर्व्ड होगा। इसके बाद कहा तो यही जा रहा है कि इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट होगा, बाकी हम उम्मीद भी यही रखते हैं कि इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट हो तो ज्यादा अच्छी बात है। अगर डिजाइन की बात की जाए तो अपनी पुरानी रस्म को पूरा करता हुआ ही नजर आ रहा है, मतलब के जो कैमरा की लोकेशन है ना बैक पे, वो सेंटर में है, जिस तरह इनके फैंटम एक्स में थी, इसी तरह यहां पर हमें देखने को मिलेगी, जहां पर आप स्क्रीन के ऊपर देख ही रहे हैं। मीडियाटेक डायमेंसिटी 9000 का चिपसेट मिलेगा जो कि 5G होने वाला है, लेकिन पाकिस्तान में हमें इसका कोई फायदा नहीं होगा, और 8GB की रैम, 256GB की स्टोरेज मिलेगी। इस फोन की परफॉर्मेंस के बारे में ये कहा जा रहा है कि जो S22 अल्ट्रा है ना, उसके आसपास इसकी परफॉर्मेंस होगी, बाकी तो जब आएगा टेस्ट तो फिर हो ही जाएगा। सबको डिजाइन ना अपने लिहाज से पसंद होता है, वैसे तो इसका डिजाइन एक यूनिक सा है, चेंज सा है, लेकिन पर्सनली मुझे इतना ज्यादा पसंद नहीं आया, लेकिन फिर भी इसकी जो ऑन पेपर स्पेसिफिकेशन है ना, उसके मुताबिक ये फोन काफी ज्यादा कमाल का होने वाला है। आपको इसका डिजाइन कैसा लगा है कमेंट बॉक्स के अंदर लाजमी से बताइएगा। बैक पे आपको ट्रिपल कैमरा सेट मिलेगा, दो बड़े लेंस और एक छोटा लेंस है, मेन 64 मेगापिक्सल, और फ्रंट के ऊपर आपको 32 मेगापिक्सल की सेल्फी मिलेगी। बाकी 5000 और कुछ एमएच की इसकी बैटरी है, साथ 45 वोल्ट या फिर 67 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग आपको मिलेगी, ये कंफर्म नहीं है। ये फोन ग्लोबली 7 दिसंबर को लॉन्च हो रहा है और उसके बाद अगले साल के स्टार्ट में ही ये फोन आपको पाकिस्तान में देखने को मिल जाएगा, और अगर प्राइस की बात की जाए तो 80,000 के आसपास ही होगी। सब्सक्राइब करके जाइएगा।